हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ नेस्टेड एफेल्स ये हमारा जिसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है नेस्टेड इफ एल्स से रिलेटेड ये हम लोग का सिक्स प्रोग्राम है नेस्टेड इफ एल्स से रिलेटेड तो आज का प्रोग्राम है वो बहुत ईजी है इसमें एक सिंपल सा चीज़ है जिसके लिए आपको एक प्रोग्राम बनाना है सपोज ये एक बैंक से रिलेटेड है आप किसी बैंक में जाते हो और बैंक में क्या है आपको कुछ पैसे डिपॉजिट कराने मतलब कुछ आपको पैसे जमा करने फिक्स डिपॉजिट और आपको मतलब ये पता करना है कि अगर मैं इसको जमा कर रहा हूँ तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा तो बैंक है जो ये एक चार्ट लगा दिया है ये चार्ट उसने लगा दिया है अपने बैंक के बाहर ताकि हर कोई उससे पूछ पूछ के परेशान ना करे तो आपको क्या करना है कि अब आपको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कैसे करना है तो सबसे पहले यहां पर जो इंटरेस्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है दो पार्ट एक है जनरल के लिए और एक है सीनियर के लिए जनरल मतलब जिनका एज सिक्सटी से कम हो और सीनियर जिनका एज सिक्सटी और उससे ज्यादा हो तो जिनका एज सिक्सटी से कम है तो उसको थोड़ा इंटरेस्ट कम मिल रहा है आपको देख रहे होंगे यहाँ पर जब इसको सेवन पॉइंट फाइव मिल रहा है तो इसको एट मिल रहा है इसको जब एट पॉइंट फाइव मिल रहा है तो इसको नाइन मिल रहा है मतलब जो सीनियर सिटीजन है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका ज्यादा है और

अप्लाई होने के बाद आप कितने साल के लिए जमा कर रहे हैं मतलब आप कितने ईयर तक उसको फिक्स्ड करना चाहते हैं तो दूसरा चीज हो गया टाइम टाइम मतलब कितने ईयर के लिए अगर आप वन ईयर के लिए कर रहे हैं तब आपको सेवन पॉइंट फाइव मिलेगा टू ईयर के लिए कर रहे हैं तो एट पॉइंट फाइव मिलेगा थ्री ईयर के लिए कर रहे हैं तो नाइन पॉइंट फाइव और मोर देन थ्री ईयर के लिए कर रहे हैं मतलब मोर देन थ्री दैट मीन्स फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन अगर जितने भी तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा वो टेन परसेंट मिलेगा तो पहली चीज एज हो गई दूसरी चीज़ हो गई टाइम तो ये दोनों हम लोग को वैल्यू पता होनी चाहिए तभी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा सबसे पहले ये दो वैल्यू यूजर से लेनी पड़ेगी सो so वैल्यू लेने के लिए हम क्या करते है? कर हैं मैसेज प्रिंट कराते हैं सिंपली हम मैसेज प्रिंट कराते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है हमको एज और टाइम लेना है सो so एज ले लेते हैं सिस्टम डॉट ऑर्ट डॉट प्रिंट एल एन इंटर यूर एज और एंड टाइम हम दोनों एक साथ ले ले रहे हैं एज और टाइम तो एज के लिए मैं वेरिएबल यूज करती हूँ एज नाम का ही और टाइम के लिए यूज करती हूँ मैं टी नाम का तो मैंने ये दो वेरिएबल यूज किया है इसके लिए इन डॉट नेक्स्ट इंट क्योंकि जो एज होगा वो इंटीजर टाइप ही होगा और टाइम भी हमारा ईयर वाइज है तो इन डॉट नेक्स्ट इंट ये दोनों हमारा डेटा टाइप क्या होंगे दोनों का इंटीज़र टाइप होंगे तो हम चाहे तो यहाँ पर इंट लिख सकते हैं या फिर अपने प्रोग्राम के ऊपर में भी लिख सकते हैं तो ये आ गया हम लोग का हमने ले लिया एज और टाइम ले लिया है तो हम एज के अकॉर्डिंग बनाते हैं हम मान लेते हैं पहले इसको बनाएंगे उसके बाद इसको बनाएंगे तो सबसे पहले इसको लेते हैं तो इसके लिए हम लोग कंडीशन लगाएंगे इफ़ एज एज के लिए मैंने स्मॉल एजी ई यूज़ किया तो यहाँ अगर मैं कैपिटल करती हूँ तो वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये जो एजी ई है वो वेरिएबल है तो अगर एज लेस देन सिक्सटी हो अगर एज लेस देन सिक्सटी हो तब रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होगा और वहीं अगर एज ग्रेटर देन सिक्सटी हो मैं इसको यहाँ पर ये जो करली ब्रैकेट मैंने ओपन किया है इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर ले रही हूँ और अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होता है क्योंकि मुझे दोनों के लिए बनाना है तो अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ एल्स ईफ लगा रही हूँ एल्स इफ़ लगाती हूँ और यहाँ पर एज ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्सटी हो गया ये मैंने दोनों के लिए बना लिया है एक सीनियर सॉरी जनरल के लिए और एक सीनियर के लिए तो ये हम लोग का जनरल का कैटेगरी क्या है और ये हमारे सीनियर कैटेगरी के, के हैं तो आते हैं हम लोग अपने यहाँ पर जनरल कैटेगरी में तो जनरल कैटेगरी में एज तो ले लिए अब इसके अंदर क्या है इसके अंदर हमको करना क्या है हमको बोल रहा है अगर आप वन ईयर के लिए जमा कर रहे हो तब सेवन पॉइंट फाइव लगेगा तो इफ़ ईयर तो हमने ले लिया टाइम ले लिया है अगर टाइम ले इक्वल टू इक्वल टू वन है अगर टाइम वन ईयर के लिए है तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा हमको सेवन पॉइंट फाइव लेकिन हमने एक चीज़ तो पूछा नहीं हमने यहाँ पर अमाउंट नहीं लिया है अमाउंट मतलब यूज़र से अगर हमको अमाउंट भी तो लेना पड़ेगा मतलब अगर ठीक है उसने बोल दिया एज बता दिया टाइम बता दिया उसके बाद वो क्या बताएगा अमाउंट भी तो बताएगा ना कि कितना उसको पैसा जमा करना है तो हम अपने अमाउंट को भी ले लेते हैं तो मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर ही लिख लेती हूँ सो so, मैंने यहाँ पर लिखा सिस्टम डॉट ऑन डॉट प्रिंट एल एन इंटर अमाउंट मैंने अमाउंट इंटर के अमाउंट को मैं ए एम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेती हूँ और यहाँ हो जाएगा मेरा इन इन डॉट नेक्स्ट इंट सो ये हमारा अमाउंट स्टोर हो गया मैं काम करती हूँ इसको यहाँ से कट करके मैं डेटा टाइप यहाँ डिफाइन कर देती हूँ ए एम एज और टी सो ये हम लोग का हो गया यहाँ पर मैंने वेरिएबल डिफाइन किया यहाँ पर अमाउंट ले लिया एज ले लिया टाइम ले लिया सो so, अगर हमारा टाइम अगर हमारा टाइम क्या हो वन ईयर हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सेवन पॉइंट फाइव है तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे यहाँ पर हमको जो लिखना पड़ेगा वो हम लिखेंगे अमाउंट पे कितना मिल रहा है सेवन पॉइंट फाइव तो अमाउंट हम लोग का स्टोर है ए एम नाम के वेरिएबल में तो एम इन टू सेवन पॉइंट फाइव परसेंट साइन हटाने के लिए डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो ये क्या हो गया हम लोग का इंटरेस्ट हो गया तो इंटरेस्ट के लिए मैं लिख लेती हूँ आई एंड टी वेरिएबल ई आई एंड टी वेरिएबल मैंने ले लिया तो ये हम लोग का इंटरेस्ट हो गया नेक्स्ट है अगर टाइम अगर टाइम तो हम लोग लिखेंगे एल्स इफ अगर टाइम टू ईयर हो अगर टाइम टू ईयर हो अभी आप देख रहे होंगे जो मैंने यहाँ पर निकाल रहे हैं वो मैं सिंपली किसके लिए निकाल रही हूँ जनरल के लिए जब हम लोग इसमें आएंगे ये वाले में आएंगे तब हम लोग ये वाला इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे लेकिन हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं लेस देन सिक्सटी पे तो हम इस वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे तो जब टाइम टू ईयर हो तो जब टाइम टू ईयर हो तो कितना है इंटरेस्ट हम लोग का एट है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग का जो इंटरेस्ट हो जाएगा जो इंटरेस्ट है आई एन टी इंटरेस्ट कितना हो जाएगा ए एम इन टू एट पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड नेक्स्ट है हम लोग का नेक्स्ट है जब हम लोग का टाइम क्या हो थ्री ईयर हो तो जब हम लोग का टाइम थ्री ईयर होगा तो थ्री ईयर के लिए हम लोग का क्या होता है फिर से हम लगाएंगे एल्स इफ जब टाइम इक्वल टू इक्वल तो टू थ्री ईयर हो तब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा तो हम लिखते हैं आई एन टी अमाउंट इन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा थ्री ईयर के लिए हमारा नाइन पॉइंट फाइव है तो हम इसको लिख लेंगे नाइन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड ये हमारा हो गया वन ईयर टू ईयर और थ्री ईयर के लिए जब एज लेस देन सिक्सटी हो तो ये हो गया वन ईयर टू ईयर और थ्री ईयर के लिए अब आते हैं हम लोग का क्या बोल रहा है जब मोर देन थ्री हो जब यहाँ क्या बोल रहा है मोर देन थ्री ईयर तो कितना परसेंट है टेन परसेंट है तो हम लोग फिर से इस एल्स का यहाँ एल्स लगा दिए चाहे तो यहाँ पर आप इफ़ लगा सकते हो बट अगर अगर ऐसे सिंपल एल्स भी रखते हो तो भी सही है तो मैं इफ़ लगा ही देती हूँ यहाँ जब टाइम क्या हो ग्रेटर देन थ्री ईयर हो क्योंकि मोर देन बोल रहा है ना तो मोर देन दैट मीन्स ग्रेटर देन तो ग्रेटर देन थ्री तब इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इंटरेस्ट के लिए आई एन टी तब हमारा इंटरेस्ट है टेन परसेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा टेन परसेंट है तो हम यहाँ लिखते हैं टेन डिवाइडेड बाई 100. तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया जब एज क्या हो हमारा लेस देन हो दूसरा आते हैं हम लोग जब हमारा एज अगर लेस देन नहीं है ग्रेटर देन है मतलब सीनियर सिटीजन के लिए तो सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर क्या होगा तो जैसा जैसा हमने यहाँ पर लगाया लॉजिक सेम वही लॉजिक हम यहाँ लगा देंगे बट सिर्फ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज हो जाएगा तो हम आते हैं अपने फर्स्ट लॉजिक में फर्स्ट जब टी वन ईयर हो तब इंटरेस्ट कितना होगा तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो होगा अमाउंट इनटू ये हमारे क्वेश्चन में है जब हमारा वन ईयर है तो इंटरेस्ट है एट परसेंट तो हम यहाँ लिखेंगे एट डिवाइडेड बाई हंड्रेड उसके बाद सेकेंड है हम लोग का जब हमारा टाइम टू ईयर हो एल सिफ जब टाइम टू ईयर हो तब इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हम लोग का तब हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट इंटू के लिए नाइन पॉइंट जीरो है तो नाइन पॉइंट जीरो थ्री इयर एल का थ्री ईयर. तब इंटरेस्ट कितना होगा हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा टेन परसेंट तो एम इंटू टेन डिवाइडेड बाई हंड्रेड नेक्स्ट है जब हमारा जो है टाइम मोर देन थ्री है जैसे यहां पर यह हमारा मोर देन थ्री तब हमारा क्या हो जाएगा t ग्रेटर देन अगर थ्री है सॉरी यहाँ इफ़ इफ भी होगा क्योंकि विदाउट इफ़ लिख देती हूँ यहाँ पर क्योंकि विदाउट इफ़ हम कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते सो तब इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा अमाउंट इंटू एलेवन पॉइंट ज़ीरो डिवाइडेड बाई हंड्रेड पॉइंट जीरो अच्छा एक चीज़ और मैंने यहाँ जो इंटरेस्ट है उसका डेटा टाइप नहीं लिया तो आप मुझे बताइए इसका डेटा टाइप क्या होगा कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए सो so, मैं बता देती हूँ अभी क्योंकि अभी तो आप नहीं बता सकते तो आई का जो हमारा डेटा टाइप होगा यहाँ पर मैंने लिया है नाइन पॉइंट जीरो दैट मीन्स ये फ्लोट वैल्यू है तो इसका जो भी इंटरेस्ट होगा उसका जो डेटा टाइप होगा फ्लोट होगा तो हम अपने प्रोग्रामिंग में यहाँ पर हमने डेटा टाइप डिफाइन कर रहा है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं फ्लोट आई एन ई तो ये हम लोग का फ्लोट टाइप की वैल्यू हो गई सो ये था हम लोग का यहाँ पर आ गया हमारा इंटरेस्ट मिल गया हमारा जब एज लेस देन सिक्सटी हो और एज ग्रेटर देन सिक्सटी हो तो ये दोनों के लिए हमारा क्या मिल गया इंटरेस्ट एज बट अब हमको बताना है कि जैसे उसने थ्री ईयर के लिए फोर ईयर के लिए जितने भी सालों के लिए उतने जमा किया तो उसके बाद उसको कितना पैसे वापस मिलेंगे तो ये ए एम इतना उसने जमा किया इतना उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो टोटल पैसे कितने हुए सपोज़ उसने जमा किया फ़ाइव थाउजेंड रुपीज़ उसको मिल रहे हैं इस पर इंटरेस्ट मिल रहे हैं सपोज़ फिफ्टी रुपीज़ मिल रहे हैं तो आफ्टर वन ईयर उसको कितना पैसा वापस मिलेगा तो फाइव थाउजेंड फिफ्टी रुपीज़ तो हमको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा ये हमारा ए एम वेरिएबल में और ये आई एन टी वेरिएबल में तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर देते हैं ए एम प्लस आई एन टी इतना पैसा उसको वापस मिल रहा है मतलब इसको मैं स्टोर कर लेती हूँ ए डी नाम के वेरिएबल में अमाउंट डिपॉजिट नाम के वेरिएबल में या ए पी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेती हूँ अमाउंट पेड तो ये था हम लोग का इतना पैसा उसको वापस मिलेगा तो ये था हम लोग का आज का क्वेश्चन जिसमें हमने ये कराया था इसके बाद एक चीज और बचा है और वो है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था ये हम लोग का क्वेश्चन है और ये है हमारे आउटपुट को प्रिंट करने का मेथड मतलब आपको जो आउटपुट प्रिंट करना है वो इसी सीक्वेंस में इसी मेथड में होने चाहिए तो आई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है अगर हम आपके एग्ज़ाम में है कि आपको इस फॉर्मेट में ही आउटपुट प्रिंट कराना है और आपने अगर वैसा नहीं कराया है तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं सो so, ऐसे आउटपुट प्रिंट कराने के लिए मैं आपको बताती हूँ कैसे हम लोग प्रिंट कराएंगे तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डबल तो देखिए ये जो चीज़ें हैं ये एक लाइन में है सिंपली वन लाइन में है तो इसको मैं सारी चीज़ों को यहाँ पर लिख दूँगी तो सबसे पहले क्या है अमाउंट डिपॉजिट तो मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ अमाउंट डिपॉजिट क्लोज उसके बाद यहाँ पर हमारा एक स्पेस है तो स्पेस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे टैब यूज़ करेंगे तो टैब के लिए स्लैश टी ये जो फंक्शन है ये जो फंक्शन है स्लैश टी इसका मतलब ये होता है जैसे आपने यहाँ ए लिखा अगर मैं स्लैश टी कर देती हूँ तो यहाँ पर एक लंबा सा स्पेस आ जाएगा उसके बाद जो भी आप चीजें लिखेंगे वो यहाँ पर लिखाएगा मतलब दोनों वर्ड के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस मोर देन जब वन स्पेस हम लोग को यूज करना रहता है तो हम स्लैश टी यूज करते हैं उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का टर्म तो टर्म के लिए हम लिख लेते हैं प्लस टर्म लिखा मैंने प्लस फिर से स्पेस है तो उसके लिए फिर से हम क्या यूज करेंगे स्लैश टी यूज करेंगे स्लैश टी प्लस फिर से क्या हमारा एज है तो एज के लिए हम फिर से ले लेते हैं एज फिर से एज के बाद स्पेस है तो हम लिख लेंगे स्लैश टी आप यहां पर देख रहे होंगे कि मैंने सिर्फ इसका नेम प्रिंट कराया मतलब ये सारी चीज़ें प्रिंट कराएं इसकी वैल्यू प्रिंट नहीं कराई तो इसकी वैल्यू जो प्रिंट होगी वो हमारी नेक्स्ट लाइन में मतलब ये जो ब्लैंक बॉक्सेस है वो प्रिंट होगी इसलिए हम लोग अभी उसको छोड़ दे रहे हैं ठीक हम लोग उसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराएंगे तो एज के बाद है इंटरेस्ट अर्न तो ये हम लोग का हो गया इंटरेस्ट अर्न मतलब उसने कितना इंटरेस्ट पाया ये होता है हम लोग का इंटरेस्ट अर्न उसके बाद नेक्स्ट है फिर से हम स्लैश टी यूज़ करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट के बाद फिर से यहां पर स्पेस है तो उसके बाद क्या है अमाउंट पेड तो यहां डबल कोर्ट में क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट पेड अब हम यहां पर स्लैश यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये एंडिंग है हमारा लास्ट है इसके बाद और भी कुछ नहीं है तो हम इसको यहीं पर क्लोज कर देंगे मतलब ये चीजें हमारी यहां पर क्लोज हो गई तो हमने क्या कर लिया अभी तक ये सारी चीजें प्रिंट करा लिया अब मुझे इनकी वैल्यू प्रिंट करानी है तो वैल्यू प्रिंट कराने तो से पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैंने अमाउंट डिपॉजिट को किस वेरिएबल में स्टोर किया है सो so, मैं आपको दिखा दूं जो मैंने अमाउंट डिपॉजिट स्टोर किया है ये देखिए इंटर अमाउंट मैंने स्टोर किया एम में तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए एम नाम का वेरिएबल टर्म टर्म मतलब क्या था हमारा ईयर था कितने ईयर के लिए हमने जमा किया तो हमारा जो टर्म था ईयर था ये रहा ये हमारा जो एज और टाइम है एज के लिए मैंने ए जी ई वेरिएबल यूज किया है तो मैं यहाँ ए जी ई लिख लेती हूँ ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको पता हो जाए कि हमने इस इस वेरिएबल में कराया है तब हम उस वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे उसके बाद टर्म के लिए हमने यहाँ पर टी यूज़ किया है तो हम यहाँ पर टी ले लेते हैं इंटरेस्ट और मतलब कितना उसने इंटरेस्ट पाया तो इंटरेस्ट के लिए आई एन टी वेरिएबल लिए हैं तो हो जाएगा आई एन टी और अमाउंट पेड मतलब उसको लास्ट में कितना पैसे मिल रहे हैं तो अमाउंट पेड के लिए हमने लास्ट में कैलकुलेट किया है ये है हमारा अमाउंट पेड ए पी तो हम यहाँ क्या लिखेंगे ए पी लिख लेंगे तो ये सारी चीज़ें मुझे प्रिंट करानी है तो प्रिंट कराने के लिए भी फिर से वही चीज़ हम लिखेंगे सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एल इन सो सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पर हम डबल कोट नहीं लगाएंगे इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि मुझे वैल्यू प्रिंट करानी है अगर मैं डबल कोट लगा करके अगर मैं कुछ इस तरीके से डबल कोट ए एम लिखती हूँ तो ये सिर्फ ऐसे ए एम प्रिंट हो जाएगा इसकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी इसलिए हम डबल कोट नहीं लगाएंगे तो हम हमारा जो अमाउंट डिपॉजिट है ए एम में स्टोर है तो हम लोगों ने लिख लिया ए एम प्लस उसके बाद क्या है ए एम के बाद फिर से टैब है बीच में स्पेस है तो फिर से स्लैश टी यूज कर रहे हैं ये वाला स्लैश टी हम यहाँ ने यहाँ पर लिखा उसके बाद टर्म टर्म हमारे किस वेरिएबल में है टी में है तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ टी प्लस उसके तो मैंने यहाँ पर स्लैश टी लिखा स्लैश टी हमारा इस स्लैस टी को डी नोट कर रहा है देन हमारा एज आता है तो एज एज के लिए मैंने लिखा है स्मॉल एजी तो हम यहाँ लिखेंगे स्मॉल ए जी ई ए जी ई उसके बाद फिर से हमारा टैब है तो टैब के लिए एज के बाद फिर से ये टैब है तो इस टैब को फिर से हम यहाँ पर लिखते हैं बिकॉज अगर हमने नीचे टैब नहीं लिखेगा नहीं लिखेंगे तो ये एज के नीचे ये चीज़ें प्रिंट नहीं होंगी इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा देन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन के लिए हम लोग आई एन टी वेरिएबल यूज किए हैं आई एन टी ई आप सिंपली आई एन टी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आई एन टी आपका डेटा टाइप है क्लियर दैट इसलिए हम लोग आई एन टी ई लिख लिए हैं देन उसके बाद आई एन इंटरेस्ट के बाद फिर से टैब तो ये वाला टैब हम यहाँ पर फिर से यूज कर रहे हैं स्लैश टी प्लस अमाउंट पेड अमाउंट पेड किस में स्टोर है एपी में तो हम लिख लेंगे यहाँ पर क्या एपी और ये हमारा क्लोज हो जाएगा तो इस वाले स्टेटमेंट से हमारा ये जो ऊपर वाला लाइन है वो प्रिंट होगा जो और ये इस वाले स्टेटमेंट से उसकी वैल्यू हमारी नीचे प्रिंट होगी तो ये जो हम लोग का क्वेश्चन है ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया ये था हमारा प्रोग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार लास्ट में ये था हम लोग का हमने सबसे पहले यहाँ पर लिया है नेम सॉरी अमाउंट लिया है एज और टाइम लिया है उसके बाद हमारा ये लॉजिक है मेन लॉजिक है जब हमारा एज लेस देन सिसी होगा उसके लिए क्या होने चाहिए और जब ग्रेटर देन सिस्टी होगा उसके लिए क्या होने चाहिए और ये हमारा अमाउंट जितना हमको पेड करना है उसके बाद ये हमारा प्रिंट करने का मेथड है जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद हम यहाँ दोनों कर्ली ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे ये कर्ली ब्रैकेट मेन फंक्शन और पब्लिक क्लास का है सो so, आज की वीडियो में इतने अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और अगर समझ में आया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि वो भी समझ सके और कमेंट करें मुझे बताएं कैसा है ये वीडियो अगर इससे रिलेटेड और भी आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी मुझे बताएं और अगर और भी वीडियो चाहिए जो मैंने आपको बताया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सो तो आज की वीडियो में इतनी थैंक यू